मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, सीएम शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और पूर्व सीएम कमलनाथ ने दिवंगत नेताओं और विशिष्ट जनों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, मुख्यमंत्री के लिए विपक्ष की सीट गर्म कर रखी है, जिसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, ये दी स्वप्न है। इस मौके पर आरोप पत्र को लेकर आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला। विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, हमने पिछले सालों में अच्छे संबंध बनाए हैं। उन्होंने कहा, अगली बार यहां सभी हो, इसके लिए सभी को शुभकामनाएं। कमलनाथ ने कहा, मैंने विपक्ष की कुर्सी सीएम शिवराज के लिए गर्म करके रखी है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बताया कि विधायक दल की बैठक में तय हुआ है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। उम्मीद है कि नियम अनुसार इसका पालन किया जाएगा और उसे स्वीकार किया जाएगा। हम हमेशा चाहते हैं विधानसभा चले और अवधि बढ़ाई जाए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भारत जोड़ो यात्रा में की गई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। कमलनाथ ने कहा, 13 दिनों तक भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में रही। मैं और गोविंद सिंह मुख्यमंत्री से मिले थे। उन्होंने कहा, मैं इस सदन के माध्यम से सीएम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश की यात्रा में सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था रखी, सभी व्यवस्थाओं की पूर्ति हुई। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में स्कूलों में पेयजल और फर्नीचर की व्यवस्था न होने को लेकर विधायक प्रवीण पाठक ने स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से सवाल किए। वहीं ध्यानाकर्षण में सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह ने सिंध नदी का पुल टूटने का मामला उठाया। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी पुल निर्माण और बीजेपी सरकार में बने टूटे पुलों पर सवाल खड़े किए। आरोप प्रत्यारोप को लेकर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, विपक्ष ने आरोप पत्र नहीं दिया, बाद में दिया गया, फिर भी आरोप पत्र का स्वागत है। वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि आरोप पत्र पहले ही दे दिया गया था। परंपरा है, अविश्वास अगर रखा है तो आरोप भी आएंगे। वो कह रहे हैं कि आरोप पत्र हमने पहले ही दे दिया था, 11:50 का समय झूठा बता रहे हैं। मैं तो स्वयं गवाह हूँ इस मामले पर, और उन्होंने 11 बजे तक नहीं दिया। फिर भी उसके बाद भी स्वागत है साहब को अविश्वास प्रस्ताव की आरोपों सहित एक कॉपी दे दी है। हमने उनसे अनुरोध किया है कि इस प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया भाजपा ने, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों ने। बड़ी बुरी स्थिति में मध्य प्रदेश है, लाखों लाख करोड़ के कर्जे में डुबो दिया गया हमारे मध्य प्रदेश को। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। हमने कहा आप इसमें विधिवत चर्चा कराइए। इसका नियम ये है कि 230 विधायकों का सदन है, यदि 23 विधायक खड़े होके हाथ उठा के बोलते हैं कि हम अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराना चाहते हैं, तो ये नियम ये है कि इनको कराना ही पड़ेगी। लेकिन जिस ढंग से सदन चल रहा है, जैसे आज हम बात कर रहे हैं, आज दिन भर चलना था सदन, आपने 12:30 बजे सदन ख़त्म कर दिया ताकि जनहित के मुद्दे ना आ पाएँ, तो ये अविश्वास प्रस्ताव पर बहस नहीं कराएंगे। और ये जो 23 तारीख तक की विधानसभा है, ये 21 तारीख को ही खत्म कर देंगे, जिस तरह का वातावरण बना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।